ऑलरेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, पर उनकी राह में रोड़े बिछाने वाले भी कम नहीं है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही रोड़े अटका रहे थे, अब जल स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर नई मुसीबत है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। प्रशांत किशोर बिहार में पारंपरिक राजनीति का विकल्प बन पाएंगे या नहीं, ये तो कोई ज्योतिषी ही पक्के तौर पर कह सकता है। दूसरे अगर ऐसा कहते हैं तो यकीनन प्रशांत किशोर के वह पैरोकार ही होंगे, पर हकीकत से मुंह मोड़ना किसी राजनीतिक दल या खुद को सियासत का सूबेदार समझने वाले के लिए शुभ नहीं होगा। हकीकत यह है कि बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर का नाम अब अनजाना नहीं रहा। लालू, नीतीश और तेजस्वी को गाँव शहर के लोग चेहरा देख कर पहचान जाते हैं। प्रशांत पहली बार रूबरू हुए तो चेहरा शायद सभी लोग ना पहचाने, पर नाम सभी जान गए हैं। इसका असर भी थोड़ा दिखने लगा है। ये प्रशांत के सियासत में जमते जा रहे पांव की आहट है। प्रशांत किशोर का राजनीति में उदय जिस अंदाज में हो रहा है, उससे उनका कद ऊंचा होने के आसार तो बन ही गए हैं। अब ये सवाल लाजमी है कि ऐसा हुआ तो पीके किसके लिए खतरा बनेंगे। प्रशांत किशोर से सबसे अधिक खतरा नीतीश कुमार को नहीं है, इसलिए कि प्रशांत किशोर राजनीति में उठान पर है, तो नीतीश उम्र की ढलान पर उनको पीके से खतरे की परवाह करने की जरूरत ही नहीं। रही बात तेजस्वी की तो वह भी प्रशांत से ऊंचे हैं, हालांकि अनुभव में वह नीतीश के पास संग भर होंगे। हाँ, अगर फर्क है तो सिर्फ ओहदे का। पीके जन नेता बनने की ओर अग्रसर है तो तेजस्वी बन चुके हैं। दो बार बिहार के डिप्यूटी सीएम और विधायक रहने से ओहदे में प्रशांत से बहुत आगे है तेजस्वी, पर वह खतरे के प्रति अलर्ट न रहे तो सीएम बनने का सपना शायद ही साकार हो पाएगा। अब बिहार के एक और संभावनाशील राजनीतिज्ञ के बारे में भी देख लेते हैं। चिराग पासवान तो अब तेजस्वी से भी ऊपर उठ चुके हैं। अपने सभी पांच उम्मीदवारों को संसद तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें जाता है। सियासत में धैर्य और निष्ठा हमेशा निष्फल ही नहीं होते, बल्कि कई दफा सफल भी होते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति अकूत निष्ठा और असीमित धैर्य दिखाने का सुफल भी चिराग को मिल गया है। अब वह मोदी के सहयोगी मंत्री बन गए, हालांकि वह भी अनुभव और ओहदे में नीतीश से नीचे ही माने जाएंगे। एक एक सांसद की मारामारी के बीच पांच पांच सांसदों के नेता के रूप में उनका सिर कितना ऊंचा रहता होगा अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी बिहार में उनका एक भी विधायक नहीं है, इसके लिए चिराग ने जमीन भी तैयार कर ली है, सिर्फ अवसर का इंतजार है। यानी चिराग भी तेजस्वी के लिए खतरा ही है। नीतीश के पाला बदल के अतीत को देखकर तेजस्वी निश्चिंत होंगे तो ये उनका भ्रम है। अपने लिए ही नीतीश इधर उधर होते रहे हैं, किसी चैरिटी के मिजाज से नहीं। तेजस्वी को लगता होगा कि नीतीश कुमार लालू के साथ मौके बेमौके छोटे बड़े भाई की भूमिका में होते ही रहे हैं। वर्ष 2015 हो या वर्ष 2022 का साल, लालू यादव के बच्चों के लिए नीतीश कभी नेहरू जी से भी बड़े चाचा बन जाते हैं, तो कभी नो एंट्री का बोर्ड भतीजे उनके लिए लगा देते हैं। राबड़ी देवी भी भाभी देवर के मधुर रिश्ते निभाने में अपनी ओर से भरसक कोई कमी नहीं होने देती। देवर रिश्ते में ईमानदारी बरतते हैं या नहीं, ये तो वह ही बेहतर बता सकते हैं। दोनों भाइयों का ठिकाना करीब होने के बावजूद 2005 से 2013 तक एक दूसरे के घर जाने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। मिली भी होगी तो जाने पर खेल खराब होने का अंदेश जो था। इस दौरान नीतीश ने लालू के घर जाने की जरूरत समझी और ना उन्हें भाईचारा निभाने की आवश्यकता महसूस हुई। असली ज्ञान मिला 2014 के विधानसभा उपचुनावों के बाद। दोनों के बीच दूरी मिट गई, मिलना जुलना आरंभ हो गया, पर यह सिलसिला 1.5 साल तक ही चल पाया, इसलिए कि दोनों करीब सिर्फ स्वार्थवश आए थे। पहली बार 2015 में नीतीश ने लालू के साथ जोड़ी बनाई थी। उनको इसकी मजबूरी इसलिए पेश आई कि उनकी नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बन गए। अब वे किस मुंह से इतनी जल्दी रंग बदलते, बदनामी अलग से होती, इसलिए उन्हें ज्यादा उचित उस आरजेडी के आगे सरेंडर करना लगा जिसके विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी जेडीयू के नेता बतौर वे 10 साल सीएम रहे थे। लालू यादव को भी ऐसे परिपक्व नेता की जरूरत थी जो उनके दोनों बेटों को ट्रेनिंग दे सके। कुछ चीजें तो बच्चे उनके साथ रहकर सीख ही जाएंगे। लालू ने उन्हें सीएम बनाने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इसमें लालू का अपना स्वार्थ था तो नीतीश कुमार का स्वार्थ सीएम की कुर्सी थी। उम्र के इस पड़ाव पर नीतीश अब शायद ही कूदफांद करें। ऐसा हुआ तो ये तेजस्वी के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए तेजस्वी का नीतीश से अब पाला बदल की उम्मीद पालना बेमानी है। उन्हें राजनीति में खुद ही झंडा गाड़ना होगा। बहरहाल प्रशांत किशोर नीतीश के लिए भी मुसीबत बनते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर से असल खतरा तेजस्वी को है। अव्वल तो अपनी सभाओं में पीके निशाने पर तेजस्वी को ही रखते हैं। दूसरे अपने साथ वे जिन्हें गांव-गांव घूमकर जोड़ रहे हैं, उनमें लालू परिवार के प्रति अंधभक्ति दर्शाने वाले और तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताने वाले यादव मुस्लिम जमात के लोग भी शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।